हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन 7 का आईफोन एक्स के साथ। तो ये जो दोनों डिवाइसेज हैं लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जो आईफोन एक्स मॉडल है वो रन कर रहा है 16.7.7 के अपडेट पे, और जो आईफोन 7 है ये रन कर रहा है 15.8.2 के लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। ये दोनों अपडेट्स बिल्कुल लेटेस्ट हैं, एप्पल ने लॉन्च किए हैं। और इस वीडियो में हम इन दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, हीटिंग के बारे में बात करेंगे, बैटरी बैकअप के बारे में भी बात करने वाले हैं, नेटवर्क कैसे काम करें वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप सभी भी ये दोनों डिवाइसेज यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस इन दोनों डिवाइसेज में कैसी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर तकरीबन दोनों ने सेम ही एप्लीकेशन के टाइम को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी सफारी की एप्लीकेशन को, तो सफारी की एप्लीकेशन भी यहाँ पर बिल्कुल सेम एक्यूरेट टाइम पे ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन, तो फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन भी यहाँ पर तकरीबन दोनों के दोनों सेम टू सेम टाइम पे ही ओपन कर रहे हैं। कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा की एप्लीकेशन भी ओपन हो रही है, बिल्कुल सही परफॉर्मेंस चल रही है दोनों डिवाइसेस की। अब बात करते हैं दोनों डिवाइसेस में स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज कैसी चल रही है, स्टोरेज में कोई इश्यूज तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन की स्टोरेज हो रखी है आईफोन 7 पे 27.2 GB और आईफोन एक्स पे है 49.1 GB, बट यहाँ पर स्टोरेज लोडिंग चल रही है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेस में बैटरी बैकअप और बैटरी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस में बैटरी हेल्थ चल रही है 68% आईफोन 7 पे, 100% है आईफोन एक्स पे। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप दोनों में भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। आईफोन 7 पर वो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप देख सकते हो इन दोनों डिवाइसेस में यूसेज कैसी चल रही है, ज़्यादा यूज़ आईफोन एक्स होता है। तो ये डिवाइस मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। बताते हैं यहाँ पर दोनों में नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं। दोनों में आपको सेम टू सेम वाईफाई सिग्नल्स रिसीव होने वाले हैं, दो सिग्नल्स यहाँ पर हैं, दो सिग्नल्स दूसरे फ़ोन पे हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज ये भी डिवाइस काफ़ी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया है, बैटरी हेल्थ भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। हीटिंग इशू आपको दोनों आईफोन्स पे देखने को मिलने वाला है, जैसे जैसे आप अपने डिवाइस को यूज़ करते हो वैसे ही ये हीटिंग करते हैं अपने दोनों के दोनों डिवाइसेस। तो ये है गाइस कंप्लीट रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।